वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारा स्वागत है तुम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो भाई, आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है बड़े ही मजेदार तरीके से, क्योंकि तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए ना एक नई चीज लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे होंगे, बट जो नहीं कर रहे ना उनको पता चलेगा ना। तो भाई आजकल वैसे ही हम लोगों को ये रहता है कि जल्दी जल्दी से एजिंग फैक्टर हो रहा है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले बता रही हूँ। मैंने अपने डाइट में अपने रूटीन में ये ऐड किया है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ शेयर कर दूँ। अब तुम सोचोगे वीडियो स्टार्ट किया है इस लड़की ने और अभी से इतना सारा बकबक करने लग गई है, तो यार मैं बाद में भूल जाऊंगी। और मैं अभी इसे खुद से खा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें शुरू में ही बता दूं। बाकी का जो भी दिन भर में चलता रहेगा वो तो अपना चलता ही रहता है। तो यार ये ना मिक्स सीड्स हैं, ये देखो सीड मिक्स। बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे और जो नहीं करते वो अब से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये अगर तुम अपनी डाइट में ऐड कर लोगे ना इतने सारे फायदे तुमको इसके मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड मुझे भी इसे करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं इसको ना पहले जो दादी ने मुझे दिए थे ऐसे ही सोख करके, सुखा करके दिए थे, वो खरबूजा आता है ना उसके बीज, तो जब कुछ टाइम मैंने उसको कंज्यूम किया मुझे काफ़ी फायदा नजर आया। मैं भी खा रही थी, प्रशांत को भी दे रही थी, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि कुछ वीडियोज जैसे हम देखते रहते हैं ना, तो वीडियोज़ देख रही थी यूट्यूब पर ही, हेल्थ का आजकल बड़ा ध्यान श्यान सा थोड़ा बहुत रखने लगे हम लोग, तो सबको रखना चाहिए। तो बस इसीलिए वो वीडियोस जब मैं देख रही थी ना, तो उसमें बोला कि आपको मिक्स सीड्स लेने चाहिए। अब मिक्स सीड्स में पम्पकिन सीड्स, सीसमे सीड्स बहुत सारे होते हैं, तो चिया सीड्स मैंने पहले भी बताया था कि मैंने तब भी स्टार्ट किया था चिया सीड्स लेना, और तब मैं उसको ना मतलब क्योंकि गर्मियाँ थी तो ठंडे दूध के अंदर स्मूदी टाइप बना के खा लेती थी, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंडा दूध तो पी नहीं सकते। तो अभी क्या है ना, इसी के अंदर, इसी सीड मिक्स के अंदर ना चिया सीड्स भी हैं। अभी तुम लोग के ऊपर एक मतलब ये चीज़ आ जाती है, चॉइस आ जाता है कि भाई इसको सोक करके खाओगे या फिर रोस्ट करके खाओगे। अगर सोक करके खाना है ना तो मार्केट से सेपरेट सीड्स लेना, ठीक है, जिनको तुम ओवरनाइट सोक करके खा सको, बिकॉज रॉ नहीं खाना चाहिए। इधर सोक करो या रोस्ट करो, ठीक है ना। अभी क्या है, ये वाले जो हैं ये स्नैक्स के टाइप के होते हैं, मैं दिखा देती हूँ, वंडरलैंड के हैं ये, ठीक है। और ये मिक्स सीड्स हैं, इसमें पम्पकिन, फ्लैक्स, वाटरमेलन, चिया और सनफ्लावर सीड्स हैं, कुछ ऐसा सा बॉक्स है ये। एंड इसका जो MRP है वो भी बता देती हूँ, हाँ गया, रुक जाओ यार, सी ऑन दी नेक, हाँ 250 रुपीज़ इसका MRP लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको रिलायंस के स्मार्ट बाजार से लिया था तो मेरे को सस्ता पड़ गया, तो तुम भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो सीड मिक्स किसी भी अच्छी ब्रांड का, ठीक है। तो अगर तुमको सोक करके खाना है तो फिर तुम ऐसे अलग अलग लो, और अगर रोस्टेड चाहिए तो ये रोस्टेड है और साथ में इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाला हुआ है, तो ये तुम स्नैक की तरह कंज्यूम कर सकते हो। दिखा भी देती हूँ मैं कैसे से होते हैं हमारे बीज। आज का मैंने खाया भी नहीं था इसीलिए कि पहले तो मैं दिखा लूंगी तब खाऊंगी इनको। ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो ऐसे देखो, तो कुछ ऐसे ऐसे सीड्स हैं, इनको तुम स्नैक्स की तरह कंज्यूम कर सकते हो, खाने में भी टेस्टी है और उतना ही हेल्दी। तो यही शेयर करना था। बाकी जहाँ तक आज के दिन की बात करूँ, ऑलरेडी दिन स्टार्ट हो चुका है, प्रशांत चला गया ऑफिस, खाना पीना सब उसको पैक करके दे दिया, मैंने राजमा चावल बनाए थे सुबह उसके लिए, ब्रेकफास्ट मेरा डन हो चुका है। दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट कर रही थी, सेटअप दिखा देती हूँ पीछे, रुको, है खाली चटाई दिख रही है, एक तो मुझे कैमरा घुमाना नहीं आता, ये देखो दिख रहा है लैपटॉप चटाई, तो ऑब्वियसली व्लॉगिंग के लिए तो मैं ये यूज़ करूँगी नहीं। बे उठ, एक मिनट चेक करने दो। तो दूसरे चैनल पे मैं वीडियो शूट कर रही थी एजुकेशन वाली, उसके लिए ये सारा सेटअप रखा हुआ था, क्योंकि फ़ोन में शूट करती हूँ और ऐसे मेरे पास प्रिंट आउट किसी चीज़ का होता नहीं है, तो कभी कभी जब मतलब लाइक नंबर्स वाली चीज़ें शेयर करनी होती है ना, तो उसके लिए मैंने आज से लैपटॉप यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। भाई मैंने ना सोच लिया है जो भी मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज है ना उन्हीं के साथ मैं चीज़ें शुरू करूँगी और आगे तक लेके जाऊँगी। धीरे धीरे ना जर्नी में सब कुछ आगे मिल जाता है। तो अगर हम बैठ के ये सोचती रहूँ मैं कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं जुड़े इतने, मैं स्मार्ट बोर्ड कहाँ से लूँ, ये कहाँ से लूँ, वो कहाँ से लूँ, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने ना लैपटॉप से स्टार्ट किया है और ये मेरी एक बिल्कुल ना अलग सी जर्नी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ना जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ये चैनल किया था ना, जब ये चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मेरे पास कुछ नहीं था, वीवो का एक फ़ोन था उसी से स्टार्ट कर दिया था। ये वाला जो है मेरे पास क्या नाम है इसका, 9R आईफोन, तो आईफोन आ रहा है दिमाग में क्योंकि आईफोन लेने का सपना है ना, तो 1+9R जो है ये बहुत बाद में आया था और इसी से थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव हुई थी,
अब जब भगवान की मर्जी होगी, तुम लोग की मर्जी होगी, जब आईफोन आएगा, मेहनत थोड़ा सा रंग लाएगी, तो फिर आईफोन से और क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तब तक जो है उसी से शुरू कर रहे हैं। वाइट बोर्ड से भी मैं चीज़ें करती रहती हूँ, बट आज से मैंने लैपटॉप भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है नहाने जाने का, और तुम कहोगे नहाने जाने का, वैसे तो इतनी सजी धजी खड़ी है मेकअप शेकअप करके, एक्चुअली वो वीडियो मैं बना रही थी तो थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल दिखना था ना, इसीलिए मैंने हल्का बहुत ऐसे ही कर लिया था। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के उसके बाद तुमसे मिलती हूँ, तब तक के लिए चैनल पर स्टे ट्यून्ड। तो आज एक नया काम किया है, अपनी अलमारी पूरी ढंग से साइड में लगाई है। इधर गोले के कपड़े मैंने सारे तमीज से रखे हैं, ऊपर सब स्वेटर स्वेटर रखे हैं, लेकिन अपने स्वेटर ना मुझे शिफ्ट करने पड़ गए क्योंकि ऑलरेडी इधर बहुत सारा सामान भर गया था। ये देखो जैकेट शैकेट सब कुछ उसी का है, मेरा ये वाला साइड, गोले का ये वाला साइड, बट मेरा एक और साइड है जो दूसरे रूम में है, वहां से जाकर फटाफट से कपड़े लेके आते हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि इस वाले रूम में अलमारी छोटी है, तो उधर वाले रूम में मुझे अपने कपड़े रखने पड़ गए हैं। और लाइट जलाते हैं फटाफट से। मंदिर रूम में जो अलमारी है ना, यहाँ पे दो अलमीराज है, ये देखो पीछे, एक इधर और एक उधर, दो कबाड़ है, तो यहाँ पे आराम से आ जाते हैं कपड़े। और वैसे भी क्या करना है, सर्दी चली जाएगी, अब तो सारे कपड़े फिर बेड के अंदर वापस रख दूंगी। यहाँ पे मैंने ना बहुत तमीज से सब अरेंज कर दिया है। एंड ये वो वाला रूम है जहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि वाइट बोर्ड वगैरह है, तो यहाँ पे वाइट बोर्ड है, मंदिर है, और प्लस ये दो अलमीरा है ना, तो यहाँ पे यार इन सब चीज़ों से मुझे याद आया, मुझे तुम्हें होम टूर देना था। कब से मैं बोल रही हूँ, एक भी बारी मैंने होम टूर नहीं शूट किया है। बहुत जल्दी होम टूर का वीडियो मैं ना फटाफट से शूट करूंगी। यहाँ पे मैंने अपने सारे स्वेटर स्वेटर अरेंज कर दिए हैं, देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे है चादरें प्लस मेरे स्वेटर्स और जैकेट, ताकि वहाँ पे ना ताम तबूड़ा कम रहे। तो फटाफट से मैं यहाँ से अपना जल्दी से स्वेटर वगैरह निकालती हूँ। पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है, जाके नहाऊंगी। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा ठंडा दिन है, बट स्टिल, और ऊपर से ना मेरे बाल सब गंदे हो रहे हैं, सब आज ही वॉश करने हैं, एंड धूप ऑलरेडी जा चुकी है, मुसीबत की बात यही है। तो ठीक है, जैसे तैसे सुखाएंगे, फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे ऐसे रख दिए हैं मैंने अपने सारे स्वेटर्स, ये सब मेरे स्वेटर्स हैं, ज़्यादातर ना आपको ऐसे वाले दिखेंगे जो घर के बने हुए हैं, क्योंकि मेरी ठंडा इन्हीं में रुकती है। दादी ने मेरे लिए बहुत सारे बनाए हैं, ये भी घर का बना हुआ है देखो, और ये भी घर का बना हुआ है। यहाँ पे स्वेटशर्ट्स रख दिए हैं, थोड़ा बहुत सामान है, ये मेरा कोट, तो यहाँ से फटाफट से स्वेटर चूज करती हूँ और फिर नहा के जल्दी जल्दी से आती हूँ। आज नहाने में जो मेरी फटी है ना, बाय गॉड, इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड, बहुत ही ज़्यादा। कल इतनी अच्छी धूप निकली थी और आज सुबह सुबह जब उठे थे ना, तभी से कोहरा, इन्हें इतना कोहराम मचा रखा था कि भाई बहुत बुरा हाल था। और ऊपर से ना सिर धोना पड़ गया, तो सोने पे सुहागा, पर चलो बाल धुल गए, अब दो चार दिन की आराम से छुट्टी। जिस दिन सिर धोना पड़ता है ना, उस दिन बड़ी आफत आ जाती है। अब बस मुझे भूख लग रही है क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे शूट वूट का काम करते करते, वीडियोस वगैरह, शाम तक का सारा कोटा तैयार है। अब बस ये है कि 6 बजेंगे ना, तो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दूंगी, बिकॉज मैंने अपना एनालिटिक्स वगैरह देखा, तो उस अकॉर्डिंग ना मेरा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक रहता है वो 6 बजे के आसपास ही रहता है चैनल पे। तो ये वाला व्लॉग जो है, ये भी कोशिश करूंगी कि तब तक बन जाए, तो ये वाला व्लॉग भी 6 बजे तक डल जाएगा। अदरवाइज ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट हो सकता है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। बट जो भी लोग, मतलब हाँ मैं बता दूं कि वो जो चैनल है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड है, तो अगर आप में से कोई भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो आप उस चैनल पे जा सकते हो, देख सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। DSSB या KVS या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एंड अभी मुझे लग रही है जोरों की भूख, तो चलो पहले मैं फटाफट से कुछ खा लेती हूँ क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। और ऊपर से पता है क्या होता है, हर बार ही ऐसा होता है कि मेरा शाम का खाना इतना लेट हो, दोपहर का खाना इतना लेट हो जाता है कि शाम के खाना बनाने तक का जो टाइम है ना, वो सारा गड़बड़ हो जाता है। और पतिदेव आते हैं तो उनके आने से पहले सारी चीज़ें तैयारियाँ होनी चाहिए ना, ऐसी मैं कोशिश करती हूँ, हो नहीं पाता लेकिन मुझसे कोशिश ही करती हूँ मैं बस, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी फटाफट से पहले अपनी पेट पूजा, फिर काम दूजा। ये देख रहे हो कितना लेट हो गया है, 4:30 बजने को आए हैं, और अब जाकर बताओ लंच कर रही हूँ मैं, तो कहाँ से मेरे को जल्दी रात को भूख लगेगी। सारे स्केड्यूल की ऐसी तैसी हो जाती है जिस दिन ना दोनों चैनल के लिए वीडियोस बनानी हो उस दिन, बट चलो कोई नहीं है, फटाफट पहले जल्दी से खा लेती हूँ वरना और लेट होता जाएगा सब कुछ। तो चलो, वैसे मैं बता चुकी हूँ क्या बनाया था मैंने, लेकिन दिखा भी देती हूँ। ये रहे चावल, प्लेन चावल है, मुझे ज़्यादा जीरे वीरे वाले चावल पसंद नहीं है। और ये रहे राजमा, जल्दी से गरम करूंगी दोनों चीजों को और फिर मस्त राजमा चावल खाएंगे। तुम सोच रहे होगे ना राजमा चावल बहुत खाती है, बट सच में मुझे बहुत पसंद है और मुझे ना अपने हाथ का ही सही लगता है, और रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट का या फिर मतलब कोई भी और बनाए ना तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत करते हैं, राजमा हैवी लगते हैं, लेकिन मैं अपना अपने हिसाब से बनाती हूँ इसलिए सही बन जाता है।
तो यार एक नया प्रोडक्ट मैंने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है, फॉग का ये वाला डियो। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत सही है एंड नॉन स्पॉन्सर्ड है भाई, खुद से बता रही हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों को डाउट रहता है ना कि डिओड्रेंट्स कौन से अच्छे हैं, तो ये ले सकते हो तुम इफ यू वॉन्ट। और इसके साथ साथ ना एक और नया प्रोडक्ट नोनू के कहने पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, दिखा देती हूँ वो भी मैं। ये देखो पहले ये वाला यूज करते थे ना हम, ये देखो दो दो बॉटल पड़ी है मेरे पास, ये हेल्दी ब्राइट की वैसलीन की, लेकिन अभी ना इससे भी बेटर ऑप्शन मुझे मिल गया है जो कि है ये वाला। और इसका शॉट भी मैंने शेयर कर दिया, पर तुम देख लेना इसमें क्या है ना, स्पेशलिटी सीरम इन लोशन बहुत सही है और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, ड्राई स्किन पे भी बहुत सही काम करता है। तो आप ये वाला देख सकते हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल रहा है, किसी ऐसे स्टोर से ले लोगे ना स्मार्ट बाजार टाइप वगैरह से तो और सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन भी डिस्काउंट पे मिल जाएगा क्योंकि न्यूली लॉन्च्ड है, तो ये एक बार जरूर ट्राई करना मस्त सा। बाकी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे शेयर कर चुकी हूँ, ये दो न्यू मैंने ऐड किए थे तो सोचा ये दोनों भी बता देती हूँ, कर सकते हैं। एक बात कर, तू एक मैं क्योंकि वो तेरा एक ही पैकेट है एक तू ऐड कर, एक मैं ऐड कर देता भाई, हूँ, पैकेट ही एक है ना, तू अपने में से ऐड कर दे। सच्ची में पैकेट एक है। अच्छा तू ऐड कर, कर दिया दो मैंने, क्वांटिटी ऐड करके देख, नहीं हो रहा ना, इतना लड़ाकू लड़का है ये सच्ची में। मैं गूगल में चेक करता हूँ, गूगल में मिलेगा वो, गूगल में कहीं से मिलेगा हद पार कर दी है सच में। चटनी। हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे इडली, ठीक है। अब इडली का एक तो इतनी मुश्किल से वो खांचा जिसमें बनती है वो मिला है मम्मी से, लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है, एमटीआर का सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। चटनी, नारियल की चटनी के बिना ना गोलू खाएगा ना मैं खाऊंगी, क्योंकि सांबर मुझे उतना ज्यादा सूट नहीं करता, ज्यादा नहीं खा सकती मैं, तो सोचा चटनी के साथ खा लेंगे। लेकिन ना ब्लिंकिट वालों के पास सिर्फ एक ही चटनी का पैकेट है, एंड अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि चटनी कहाँ से आएगी, अगर चटनी नहीं मिली तो इडली नहीं बन सकती। इतना दिल कर रहा था ना आज की कुछ अलग खाएं, ये रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल से, लेकिन अब इडली भी कैंसिल हो जाएगी मुझे जहां तक लगता है। मिला गूगल पे, चेक भी कहाँ कर रहा है गूगल पे, कहता कहीं तो कुछ तो मिलेगा ना, हद पार है वैसे बुद्धि की, बुद्धिमान बुद्धिमान। चटनी ढूंढते टाइम सर दर्द क्यों हो गया, मैं कुछ और सोच रहा अमेजोन से मंगाएगा क्या अब? हूँ, कैसे पता, एक दिन में तो आएगी नहीं, सिद्धार्थ के वहां पहुंच जाएगी कल वो, तक खा लेंगे। कल तक खा लेंगे, बड़ा आया। मैं चुपचाप घर में रोटी सब्जी बना रही हूँ, मैं बैंगन की सब्जी और फुलका बना रही हूँ अब, तू ही खाएगी फिर तो। ठीक है मैं खा लूंगी। अब नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं यार, हद पार है। ये देखो आते ही यहाँ पे सामान फैला दिया अपना, पसर गए। ये कपड़े डोनेट करने, ये भी तब से यहीं रखे हुए हैं, इन्हें किसी को डोनेट कर दो भाई, अभी जस्ट कर रहा हूँ डोनेट मंदिर रुको। के आगे दे आते हैं, इतने सारे लोग बैठे रहते हैं। ये हम लोगों ने निकाले थे कुछ कपड़े जो हम लोग नहीं पहन रहे हैं और सही अच्छी हालत में, तो इनको हम यहाँ मंदिर है एक हनुमान मंदिर, वहाँ पे डोनेट कर आएंगे। मैं तो गोले को ही दे रही थी, तू ही पहन ले, लेकिन गोला कह रहा मैं नहीं पहनूंगा, इसको डोनेट कर दो। गाइस नोना यहाँ पे ना सर्च कर रहा है आइसक्रीम्स, सर्दी में आइसक्रीम खानी है इनको, मतलब कोई अकल तो होती है इंसान के अंदर। अरे बहुत ज्यादा अकल दे रखी है भगवान ने, बहुत ज्यादा दे रखी है। इधर देख मेरे लिए भी कर दियो लगे हाथ लगे हाथ नहीं करूंगा मैं, प्लीज यार। बेल्जियम बेल्जियन। आप में से किस किस को पसंद है भाई? ज्यादातर लोग खाते ही होंगे, सर्दी में आइसक्रीम बहुत बढ़िया लगती है खाने में, और ये टाइम देख लो क्या हो रहा है, खाना खाने की बजाय यहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर हो रही है अभी। चोको ब्राउनी फज खाएगी? नहीं ना वो ही कर जो मैंने हैवमोर की ऐड कर रखी थी, तुझे चिप्स ऐड करने के लिए बोला था, तू आइसक्रीम पे क्यों आ गया? मैं भी तो खाऊंगा। अबे वो ही खा लेंगे, ठंड बहुत है, नहीं खाई जाएगी पूरी पूरी। अच्छा ठीक है, चिप्स देख बावली लेंगे, पूछ, चिपस देखेंगे, चिप्स चिपस। देख ले अपने लिए, फिर मैं भी अपने लिए देख लूंगी। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी मन करे कर दो, एंड बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो या न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहना, सपोर्ट करते रहना, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।